हाय गाइज़, वेलकम टू द चैनल। गाइज, आज जो मेरे पास प्रोडक्ट है रिव्यू के लिए, वो आपके बहुत काम की चीज़ हो सकती है। सो आज जो मेरे पास है, ये एक स्टॉपर लाइट है, जिसको ब्रेक स्टॉपर लाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेनली यूज़ होता है वो आपके हैंडल के ऊपर होता है। सो गाइज, सबसे पहले ये लाइट है जो वाटरप्रूफ होती है कम्प्लीटली, इसको आप किसी भी जगह इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड बॉक्स के पीछे जैसे ही आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं बाइक के ऊपर ये इंस्टॉल कर सकते हैं, हैंडल के कुछ इस तरह, हैंडल के दोनों साइड पे ये इंस्टॉल हो जाती है। और इस तरह का आपको लाइट का मॉडल मिलता है, जिसके पीछे की तरफ आपको एक क्लिप भी मिलती है, जिसको आप किसी भी बोल्ट के साथ जो है अटैच कर सकते हो। सो गाइस, ये काफ़ी इजीली माउंटेबल है, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। सो इसके अंदर जो है फ्लैश मोड मिलते हैं तीन तरह के, और ये मल्टी कलर भी आती है, लेकिन हमारे पास जो है ये रेड कलर में है। एंड गाइस, चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको लाइट दिखाते हैं किस तरह की है। सो ये लाइट है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में लाइट मिलती है, और यहाँ पर वायर भी अच्छी खासी आपको इसके अंदर मिल जाती है। सो सबसे पहले मैं आपको वायर की लेंथ ही दिखा देता हूँ, वायर कितनी लंबी है। सो दोनों लाइट जो अटैच है, वो जॉइंट से लेके लाइट तक का वायर काफ़ी लंबा है। सो लाइट की अगर आप बात करें तो सामने की तरफ इसमें आपको लेंस मिलता है, और पीछे जो है क्लैंप मिलता है। सो ओवरऑल पूरी जो कम्प्लीट ये बॉडी है लाइट की और क्लैंप की, वो पूरी मेटल की है। तो इसके अंदर कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, कोई प्लास्टिक नहीं है या कोई टूटने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आप इसको इजीली माउंट कर सकते हो किसी भी एरिया पे, आपकी नॉन ब्रेकेबल लाइट रहती है। और सामने की तरफ देखोगे तो आप इसका प्रोजेक्टर लेंस भी लगे हुए हैं। सो गाइस, वायर बहुत ही लंबी आपको इसमें मिल जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है हैंडल के ऊपर माउंट होती है। सो यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका जॉइंट है दोनों वायर का, वहाँ पर आपको जो ये ट्यूनर मिलता है। सो ट्यूनर भी अच्छे से कम्प्लीटली रबर से रैप्ड है, जिसकी वजह से क्या है कि इसे पानी अगर आप लगाते हो, वॉश वगैरह करते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो लगभग 1.5 से 2 मीटर की इसकी जो है वायर की लेंथ है। सो इजीली आप इसे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, बाइक के किसी भी पार्ट पे, एंड डायरेक्टली आपको जितना लंबा चाहिए उतने वायर पे इसको कनेक्शन कर सकते हो। सो चलिए डायरेक्टली मैं अब आपको बताता हूँ कि स्प्लेंडर पे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले तो देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी 2 लगा रखी है। सो ये जो है दूसरी है। सो हमें आज इसको इंस्टॉल करना है। सो इसका जो क्लैंप है ये देख लीजिए, तो इसको आप फोल्ड भी कर सकते हो। सो ये आसानी से जो है मुड़ भी जाएगा। सो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप पिछली नंबर प्लेट के बोल्ट के ऊपर इनको लगा सकते हो, और इसको थोड़ा सा मोड़ सकते हो। सो इससे क्या होगा कि अगर आप किसी भी ऐसी सिटी में चलते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, सो जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे, ब्रेक के साथ इनका कनेक्शन कर लीजिए। सो सेकंड प्लेस जो है नीचे मडगार्ड के ऊपर आपको मिल जाएगी। सो बेसिकली पीछे लगाने का रीज़न यही है कि अगर आप ब्रेक इसके अंदर लगाते हैं तो पीछे वाले को पता लग जाता है कि इन्होंने, अब सामने वाले ने ब्रेक लगाया है, क्योंकि इसके अंदर 3 जो है पैटर्न बनते हैं अलग अलग रेड कलर के, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी तेज़ होती है। सो गाइस, अगर आपको हैंडल पे इसे इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको जो जगह मिलती है स्प्लेंडर पर, वो इस बोल्ट के अंदर मिलती है। डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल करके उसी तरह आगे की तरफ थोड़ी सी लाइट को मोड़ सकते हैं। सो अगर आप क्लैंप को मोड़ना नहीं चाहते तो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो आज हम उसी तरह के, मैं आपको ये देख लीजिए दिखा देता हूँ, मैं इसे इस बोल्ट के ऊपर माउंट करने वाला हूँ। सो आप इस बोल्ट के ऊपर भी इसको माउंट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको जो है क्लैंप को मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, मैं इन्हीं बोल्ट के ऊपर आज इनको माउंट करूँगा, लेकिन मैं इसको ऊपर की बजाय नीचे की तरफ जो है माउंट करूँगा। सो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपने नीचे की तरफ इसको माउंट करना है। सो गाइस, नीचे की तरफ आप देख लीजिए, जो हमने ऊपर बोल्ट दिखाया था बिल्कुल उसके नीचे जो है 10 नंबर का एक बोल्ट आपको मिल जाएगा। सो डायरेक्टली आपने करना क्या है, इसको ओपन कर लेना है, और इसके अंदर हमारी लाइट का जो स्टैंड है वो अच्छे से माउंट हो जाएगा, एंड देन आपको जो बोल्ट को है दोबारा से कस देना है। सो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ।
तो गाइज आप लोग देख सकते हैं लाइट जो है माउंट हो चुकी है, बढ़िया तरीके से माउंट हो रखी है। सो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप नट को टाइट करते हैं सामने से ज़रूर एक बार चेक कर ले कि लाइट का जो एंगल है वो सीधा फेस टू फ्रंट टू फेस आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने टेढ़ी लगा दी थी, उसके बाद मैंने दोबारा से नट खोलना पड़ा और दोबारा से इसको सेट करना पड़ा। सो गाइज अब मैं वायरिंग का बता देता हूँ आपको। तो पहले मैं जो है दोनों लाइट को सेट कर लूँगा और उसके बाद वायरिंग भी कर दूंगा, देन आपको अच्छे से समझाता हूँ कि किस तरह से आप इसकी वायरिंग करें, कहाँ पे आपने जो एक्स्ट्रा वायर बचा है उसको रखना है। सो गाइस अब मैंने दोनों लाइट को इंस्टॉल कर दिया है। सो जैसे मैंने आपको लेफ्ट साइड में इंस्टॉल करके दिखाया था, बिल्कुल उसी तरह राइट साइड में भी किया है। और अभी जो ये बटन लगा हुआ है इसके ऊपर मैंने इसका जो कनेक्शन दिया है, सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस तरह से ये लाइट काम करती है। सो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिन में आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा, लेकिन इसके अंदर जो है तीन पैटर्न बन रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सो ब्राइटनेस का अंदाज़ा आप शाम को ही लगा सकते हैं। सो नाइट का रिव्यू भी मैं इसी वीडियो में डालने वाला हूँ। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वायर हमने कहाँ कहाँ कनेक्ट किया है। सो जो लेफ्ट साइड का जो हमारा लाइट है उसका वायर हमने राइट साइड की लाइट तक पहुँचाया, उसके बाद जो उनका दोनों वायर है वो की के नीचे इंस्टॉल हुआ है सारा, जो हमारा की पैड होता है उसके नीचे जो है सारा वायर इंस्टॉल हो गया है। सो गाइस अगर आप में से किसी को भी ये लाइट परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे आप बाय कर सकते हैं, या फिर आपको अगर मुझे अमेजोन पे मिलती है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, शेखावत मॉडिफायर्स नाम से मेरा जो है ऑफिशियल स्टोर है। सो वहाँ पर भी आपको जो है बहुत सारे जो है नए नए प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सो वायरिंग देख लीजिए, वायरिंग मैंने कुछ इस तरह से की है, ट्यूनर को भी जो है पैड के नीचे की तरफ कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन वायर आया हुआ है वो जो है हमारा बटन का वायर है, और दूसरी तरफ से मैंने रेड वायर बटन के साथ अटैच कर दिया है। और जो लाइट का नेगेटिव पॉइंट है वो मैंने इस बोल्ट के साथ अटैच किया जिससे इसको नेगेटिव करंट मिलेगा। सो गाइस जब आप नाइट का रिव्यू देख लीजिए नाइट में किस तरह का काम कर रहा है, मेरे हिसाब से तो ये लाइट परफेक्ट है अगर आप नाइट में राइड करते हैं। नाइट में अगर आपको ब्रेक लाइट की जगह इन्हें यूज़ करना है तो ये काफ़ी परफेक्ट है। और इसके प्राइस की अगर बात करें तो आपको लोकल मार्केट या ऑनलाइन ये आपको 200 से 250 रुपये के बीच में मिल जाएगी। अगर आपको इसे बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी एक मॉडिफिकेशन लवर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी लेटेस्ट एसेसरीज की वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।